गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो देखिए हमारे 12 पॉइंट एड चल रहे थे, उसमें क्वेश्चन नंबर था दे का 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई ओवर डी एक्स प्लस 2 एक्स वाई बराबर 4 एक्स स्क्वायर। तो देखिए हमारे पास जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है वो क्या होती है, देखिए यहाँ से 1 स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, डी वाई ओवर डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू। तो देखिए डी वाई ओवर डी एक्स यहाँ पर अकेला होता है, यहाँ से पी वाई बराबर क्यू होता है। देखिए यहाँ पर डी वाई ओवर डी एक्स के साथ में क्या टर्म है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर को यहाँ से हटाएंगे, हटाएंगे तो इसको डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे डिवाइड। तो यहाँ से देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इसमें डिवाइड करेंगे तो डी वाई ओवर डी एक्स प्लस 2 एक्स वाई अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर का दोनों तरफ डिवाइड करेंगे तो यह आ जाएगा 4 एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए स्टैंडर्ड इक्वेशन से इसकी कंपेयरिंग करो, डी वाई ओवर डी एक्स, पी की जगह मेरे पास में आ गया ये चीज 2x अपॉन एक्स स्क्वायर वाई बराबर 4x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो पी की जगह मेरे पास में ये आ गया वाई, यहां था वाई आ गया, क्यू की जगह 4x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। तो इसकी कंपेयरिंग करें तो देखिए पी बराबर क्या आ जाएगा, P बराबर आ जाएगा 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर और Q बराबर मेरे पास में क्या आ गया 4x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। देखिए स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयरिंग करके हमने P और Q निकाल लिया, P और Q निकालने के बाद में हम करेंगे इसका इंटीग्रेशन फैक्टर, यानी कि इसका IF निकालेंगे, यानी कि समाकलन गुणांक निकालेंगे। तो देखिए आई एफ बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन पी डी एक्स, क्या हो जाएगा आई एफ बराबर ए की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स। तो ये आ जाएगा ई की इंटीग्रेशन पी, पी का मान क्या था 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और डी एक्स। अब देखिए ये क्या है, P का मान था हमारे पास में 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, P की जगह मैंने रख दिया 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर dx। अब मैं नीचे वाले के बराबर T मानता हूं, देखिए तो लेट कर ले इसको यहां से, लेट 1 प्लस x स्क्वायर बराबर T, तो यहां से इसका डिफरेंशियल करेंगे 2x dx बराबर क्या हो जाएगा dt। तो देखिए ऊपर 2x dx खत्म हो गया, उसकी जगह क्या आ जाएगा dt, तो यह आ जाएगा देखिए e की इंटीग्रेशन dt अपॉन t, ये क्या जाएगा dt अपॉन t, तो इसका मतलब e की पावर log t, और e की पावर log t बराबर क्या होता है t, और t की वैल्यू मेरे पास में क्या है t बराबर देखिए e की पावर log t। एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था e की पावर log t बेस x, 11th क्लास में देखिए फॉर्मूला बढ़ा था e की पावर log e बेस x बराबर क्या होता है, यहां पर जो चीज होती है वो वापिस आ जाती है x। तो मेरे पास में क्या था e की log e बेस, यहां पे e नहीं दिया, इसका मतलब इसके साथ में e ऑलरेडी पहले से ही है, e log e बेस t का मतलब हो गया यहां पर जो चीज होगी, यहां पर हमारे पास में x था तो x आ गया, यहां पे t है तो हमारे पास में क्या आ जाएगा t आ जाएगा, और t की वैल्यू हमारे पास में क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि if फैक्टर जो निकल गया है वो हमारे पास में 1 प्लस एक्स स्क्वायर निकल के आ गया, इसका if फैक्टर क्या आया 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब क्या करेंगे देखिए फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले में इसको लगाएंगे, e की pdx का मान हमने निकाल लिया 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर था, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर t मान के मैंने ऊपर वाले को 2x dx बराबर क्या रख दिया dt, तो यहां से हो जाएगा dt और नीचे वाला t हो गया, तो ये हो गया log t, e की पावर log t, और e की पावर log e बेस x बराबर क्या होता है x, तो यहां से आ जाएगा e log t बराबर क्या आ जाएगा t, t की वैल्यू मेरे पास में थी 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये आ गई मेरे पास में IF फैक्टर इसका 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब हमारे पास में जो फॉर्मूला आता है उसको यूज करेंगे, देखिए हमारे पास जो फॉर्मूला आता है देखिए y इंटू
वाई इंटू यहां पर जो चीज होती है वो आएगी वाई इंटू ई की पीडीएक्स, इंटीग्रल पीडीएक्स बराबर आ जाएगा इंटीग्रल क्यू इंटू ई की पीडीएक्स और डीएक्स और प्लस सी, ये आ जाएगा। तो देखिए वाई इंटू ई की पीडीएक्स का मान मैंने निकाल लिया वन प्लस एक्स स्क्वायर बराबर इंटीग्रल क्यू का मान मेरे पास में था फोर एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू, देखिए क्यू का मान मेरे पास में क्या है फोर एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर और ई की पीडीएक्स की वैल्यू मैंने क्या निकाल ली वन प्लस एक्स स्क्वायर वन प्लस एक्स स्क्वायर और ये डीएक्स और ये प्लस सी, तो इससे ये कट गया। तो y इंटू वन प्लस एक्स स्क्वायर बराबर आ जाएगा फोर को मैं बाहर निकाल दू इंटीग्रल एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस सी। अब देखिए x स्क्वायर का इंटीग्रल करेंगे तो y इंटू वन प्लस एक्स स्क्वायर बराबर फोर एक्स क्यूब अपॉन थ्री प्लस सी, ये इसका आंसर आ गया भाई। और सॉल्व करना चाहते हो तो इसको थ्री को इधर मल्टीप्लाई करके आप सॉल्व कर सकते हो। ये था आपका क्वेश्चन नंबर तीन। अब चलते देखिए क्वेश्चन नंबर चार में। इस साल जो एग्जाम में क्वेश्चन आया है वो आपका इसी से दो पॉइंट आए थे और वो दो पॉइंट क्या थे, एक तो एग्जाम्पल नंबर चार था, कौन सा था एग्जाम्पल नंबर चार, और एक था मेरे पास में शायद क्वेश्चन नंबर 12.8 में 10 का, ये दोनों सवाल थे। यानी कि इसमें पॉइंट बना रखे थे क्वेश्चन डाल के, जैसे क्वेश्चन 29 का था तो क्वेश्चन 29 में पॉइंट नंबर एक दे दिया पॉइंट नंबर दो दे दिया, ये तीन का था ये तीन का था, वैसे एक्चुअली ये छह नंबर में आता है, छह नंबर में एक ही क्वेश्चन आता है। तो इस साल बता रहे क्या किया इन्होंने दो पॉइंट में दे दिया तीन तीन नंबर के, तो इसी से दोनों सवाल थे 12.8 से। एक तो एग्जाम्पल था आपका एग्जाम्पल नंबर चार, एक था क्वेश्चन नंबर 12.8 में 10 का। तो देखिए क्वेश्चन नंबर चार, देखिए क्वेश्चन नंबर चार है, टू एक्स माइनस 10 वाई की क्यू डी वाई ओवर डी एक्स प्लस वाई बराबर जीरो, ये क्वेश्चन है 2x माइनस 10 वाई की क्यूब डी वाई ओवर डी एक्स प्लस वाई बराबर जीरो। इस सवाल को समझना भाई बहुत ही अच्छा सवाल है ये, 2x माइनस 10 वाई की क्यूब डी वाई ओवर डी एक्स प्लस वाई बराबर जीरो। तो मैं देखिए इसको निकालता हूं, मैं पहले डी वाई ओवर डी एक्स निकालूंगा, पता करूंगा कि ये इक्वेशन किस ग्रुप की है। तो मैं यहां से डी वाई ओवर डी एक्स निकालता हूं, देखिए डी वाई ओवर डी एक्स बराबर माइनस वाई अपॉन ये इसके डिवाइड में चला गया 2x माइनस 10 वाई की क्यूब, ये इक्वेशन बन गई भाई मेरे पास में। क्या बन गई मेरे पास में, ये इक्वेशन बन गई डी वाई ओवर डी एक्स बराबर माइनस वाई अपॉन टू एक्स माइनस दस वाई की क्यूब। अब मैं पता करता हूं कि ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है। तो देखिए होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन चेक करेंगे, ऊपर वाई की पावर एक है नीचे एक्स की पावर एक है, लेकिन यहां पर वाई की पावर तीन है, इसका मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की पावर सेम नहीं है। अगर पावर सेम नहीं है तो ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। तो क्या करेंगे हम, चेक करेंगे कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होता है, dy ओवर dx प्लस py बराबर क्या होता है q, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लाए तो देखिए मैं इसको इधर लाऊंगा तो -y / ये पूरा का पूरा इस साइड आएगा,
तो इसका मतलब ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन भी नहीं है। तब हम क्या करेंगे, ये बात समझने वाली है। तब हम क्या करेंगे, अगर मैं इस इक्वेशन को, इसको डीवाई ओवर डीएक्स को अगर उल्टा कर दू, क्या कर दू, इसको उल्टा करता हूं, देखिए ये बनती है डी एक्स अपॉन डी वाई। भाई मैंने डी वाई ओवर डीएक्स निकाला तो पता किया कि ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है, तो मैंने पता कर लिया कि ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। अब ये देखिए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो ये होती है, dy ओवर dx + py = q, लेकिन ये भी नहीं बन रही। अब नहीं बन रही तो इसी को कुछ चेंजमेंट करके देखते हैं। अब चेंजमेंट किया तो मैंने ये dy ओवर dx था तो मैं इसको उल्टा करता हूं, dx / dy किया तो ये क्या चला जाएगा ऊपर, तो माइनस तो बाहर रहेगा, तो ये आ जाएगा 2x - 10y / y। मैंने क्या किया, इसको उल्टा किया, ये dy ओवर dx था, इसको मैंने कहता dx / dy, तो ये नीचे वाली पोर्शन ऊपर आ जाएगी, ऊपर वाली नीचे आ जाएगी। अब देखिए मैं इसको इस रूप में लाके देखता हूं, डी एक्स अपॉन डी वाई, ध्यान रहे सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब डी वाई ओवर डी एक्स होता है तब देखिए यहां पर क्या आता है, वाई आता है, डी वाई अगर डी वाई ओवर डी एक्स निकलता तो यहां पे वाई निकलता है, यहां पर क्या आता है y आता है। लेकिन जब मैं इसको dx / dy करूंगा, क्या करूंगा, dx / dy करूंगा तो x की टर्म इधर आएगी, x की टर्म इधर आएगी, बाकी उधर रहेगी, यानी कि अगर ये dy / dx होता है तो y की टर्म इसकी तरफ आएगी, dy / dx जब निकलेगा तो इसमें y की टर्म इधर आएगी, अगर ये dx / dy निकल रहा है तो इधर x की टर्म आएगी, कौन सी आएगी, x की टर्म। तो देखिए x की टर्म मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व कर देता हूं, माइनस टू एक्स अपॉन वाई, दोनों को अलग कर रहा हूं, इस माइनस को यहां पे क्या तो प्लस का 10y की क्यूब अपॉन वाई, ये हो गया। तो देखिए ये x की टर्म है, ये y की टर्म है, बात समझ में आई, ये x की टर्म है, ये y की टर्म है पूरी की पूरी, अगर इसके साथ y है तो ये y साथ में आ जाएगा। तो देखिए ये dx / dy था, dx / dy है तो इसका मतलब इधर x की टर्म आएगी और y की टर्म उधर ही रह जाएगी, तो देखिए ये आ जाएगा dx / dy, ये इधर आएगा प्लस 2 / y * x और बराबर क्या आ जाएगा 10y स्क्वायर, y से क्यूब कट जाएगी, क्या कट जाएगी, y से क्यूब कटेगी तो y स्क्वायर बचेगा 10y स्क्वायर, बात समझ में आई। भाई ये dy / dx होता है तो इधर y की टर्म आएगी ओनली, किसी टर्म आएगी, y की टर्म और x की टर्म उधर रह जाएगी, जब ये dx / dy निकलेगा, क्या निकलेगा, dx / dy, तब x की टर्म इस साइड आएगी और y की टर्म साइड उधर रह जाएगी। तो देखिए dx / dy करते देखिए 2, ये माइनस का 2x / y था, ये इधर आ गया 2 / yx = 10y स्क्वायर। अब हमारे पास में जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है उससे कंपेयरिंग करेंगे, लेकिन कंपेयरिंग किससे करेंगे, इससे तो होगी नहीं क्योंकि हमारे पास में क्या है dx / dy, तब ये देखिए क्या बनेगी, dx / dy + px = q। देखिए जब ये dy / dx निकलता है यहां से तब यहां पर y की टर्म आती है, जब ये dx / dy निकलेगा तब यहां पर x की टर्म आएगी, क्या आएगी, x की टर्म आएगी बराबर q। अब मेरे पास में ये जो फॉर्मेट है, ये इक्वेशन इस रूप की बन गई, यानी कि नीचे वाले के अकॉर्डिंग बन गई, तो इसकी कंपेयरिंग इसके साथ में होगी, बस समझ गई, जो गिवन इक्वेशन है उससे हमने क्या निकाल लिया, dx / dy, तो dx / dy निकाला तो देखिए मेरे पास में इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या बन जाएगी, dx / dy + px = q। अब मैं इस स्टैंडर्ड इक्वेशन से इसकी कंपेयरिंग करूंगा, तो ये जो p है तो यहां पर p क्या आ जाएगी, यहां पर p क्या आ जाएगी, p बराबर आ जाएगी 2 / y, p क्या आ जाएगी 2 / y, q क्या आ जाएगा, q आ जाएगा मेरे पास में 10y स्क्वायर, क्या आ जाएगा 10y स्क्वायर। अब मैं इसको एक बार फिर दोबारा समझा देता हूं, अगर इस टाइप का क्वेश्चन जब आता है हमें पता नहीं रहता, देखिए पता नहीं है हमने, मैंने पहले किया क्या है, मैं पहले इसका dy / dx निकालता हूं कि ये पता करता हूं कि ये कौन से रूप की डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो मैंने यहां से dy / dx निकाला,
पता किया, क्योंकि जैसे इक्वेशन हम होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन भी पढ़ चुके हैं इस टाइप की, क्योंकि dy / dx उसमें भी निकलता है, तो dy / dx निकला तो मेरे पास में आएगी, मैंने पता किया कि ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं है। तो देखिए कैसे पता किया, y की पावर a के ऊपर नीचे x की पावर 1 है, लेकिन यहां पर क्या है y की पावर 3 है, इसका मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की पावर सेम नहीं है। अगर पावर सेम नहीं है तो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन तो वो नहीं है। अब पता किया कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, dy / dx + py / q। तो देखिए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता ही नहीं, जब मैं इसको इस फॉर्म में लाता हूं तो ये आएगा नहीं। तो देखिए इस y को मैं लगा पता पूरे का पूरा इसके साथ में आएगा, क्योंकि नीचे इसमें माइनस है तो आएगा नहीं। तो मैंने क्या किया, इसको चेंज किया, dy / dx को मैंने उल्टा कर दिया, तो ये बन गया dx / dy बराबर ये माइनस का माइनस आ गया, नीचे वाली टर्म ऊपर चली गई और ऊपर वाली नीचे आ गई। अब मैं यहां से क्या किया, इसको अलग कर दिया 2x / y और माइनस माइनस प्लस 10y की क्यूब, यानी y स्क्वायर से कट जाएगा तो y स्क्वायर आ जाएगा। अब देखिए जब dy / dx निकलता है, dy / dx निकलता है तो इस साइड y की टर्म आती है, यहां पर देखिए py / q, यानी कि यहां पर क्या आएगी y, ये dy / dx निकलेगा, dy / dx निकलेगा तो y की टर्म इस साइड आएगी। जब ये dx / dy निकलेगा तो इस y की जगह ये x आ जाएगा, बाकी स्टैंडर्ड इक्वेशन वही रहेगी। इधर देखिए dy / dx था तो इधर क्या आ गया dx / dy, dx / dy आता है यहां पर p, तो स्टैंडर्ड इक्वेशन चेंज हो जाएगी, dx / dy + px / q हो जाएगा। अब देखिए ये हमारे पास में स्टैंडर्ड इक्वेशन बन गई, इसकी कंपेयरिंग मैं इसके साथ की, तो p की वैल्यू देखिए मैंने निकाल ली 2 / y और q की वैल्यू निकाल ली 10y2। अब देखिए मैं इसका इंटीग्रेशन फैक्टर निकालूंगा, जब ये dy / dx + py / q की इक्वेशन होती है तो मैं e इंटीग्रेशन pdx निकालता हूं, क्या निकालता हूं e इंटीग्रेशन pdx, जब ये dx / dy फॉर्म की इक्वेशन होती है तब मैं यहां पर dx की जगह क्या हो जाएगा pdy हो जाएगा, क्या हो जाएगा e की इंटीग्रेशन pdy हो जाएगा। तो देखिए मैं इसका इंटीग्रेशन निकालता हूं, आगे देखिए अब मैं आई एफ फैक्टर निकालता हूं, इसका आई एफ फैक्टर बराबर हो जाएगा ई इंटीग्रेशन पी डी वाई हो जाएगा आपकी बात, क्योंकि ये फॉरवर्ड किसका है डीएक्स / डीवाई है, तो वहां पर अगर डीवाई / डीएक्स होता तो पी डी एक्स होता है, अगर ये डीएक्स / डीवाई फॉर्मेट की इक्वेशन है तो यहां पर फॉर्मूले में चेंजमेंट आ जाएगा, ई की इंटीग्रेशन पी डी वाई की फॉर्म में आ जाएगा। तो देखिए यहां से ई इंटीग्रेशन पी, पी का मान क्या है 2 / y, 2 को बाहर निकाल दिया 1 / y dy। अब देखिए यह आ जाएगा e की 2 log y, क्या आ जाएगा 1 / y dy किसका हो जाएगा log y का। अब ये देखिए 2 मैं इसके ऊपर लेके जाता हूं तो e log यह आ जाएगा y स्क्वायर, ये 2 था ये इसमें y पर आ गया तो ये हो जाएगा e log y स्क्वायर। मैंने अभी फॉर्मूला बताया आपको e log e बेस अगर x है तो ये x ये आ जाएगा, इसका मान 1 हो जाएगा, e log e बेस का मान क्या हो जाएगा 1, यहां पर जो इसका एंगल होगा वो यहां पर आ जाएगा x। तो देखिए यहां पर इसका एंगल क्या है y स्क्वायर, तो e log e बेस y स्क्वायर है तो इसका मतलब यहां पर क्या आ जाएगा y स्क्वायर। अब देखिए अगर ये इक्वेशन dy / dx + py / q रूप की होती है तो इंटीग्रेशन फैक्टर हम निकालते हैं pdx, ठीक है इसका वैल्यू निकाल देते हैं। अब यहां पर देखिए मैंने क्या करता हूं y / e की pdx / इंटीग्रल q / e की पावर pdx निकालता हूं, जब ये y होता है तब ये y आता है यहां पर। देखिए इस इक्वेशन को समझने की कोशिश करो भाई, dy / dx + py / q, जब ये इस रूप की इक्वेशन होती है तो यहां पर ये जो y होता है ये y यहां पर आता है y into e की pdx होता है, और जब ये स्टैंडर्ड इक्वेशन इस रूप की होती है dx / dy + px / q, तब हम e की pdx निकालने की जगह क्या करेंगे pdy इसकी वैल्यू निकालेंगे। अब देखिए अगर ये स्टैंडर्ड इक्वेशन x की है तो यहां पर हमारे पास में y था तो y into e की pdx हुआ था, यहां पर क्या हो जाएगा x into e की इंटीग्रेशन pdy / इंटीग्रेशन q into e की pdy और यहां पर dy + c, ये चेंजमेंट हो जाता है इसमें।
अगर स्टैंडर्ड इक्वेशन मेरे पास तो dy ओवर dx plus py बराबर q है, तो हम उसका i फैक्टर निकालेंगे e की pdx, फिर उसका फॉर्मूला रखेंगे, तो यहां पर जो y होगा वो यहां पे आएगा y into e की pdx बराबर q into e की pdx। जब स्टैंडर्ड इक्वेशन dx upon dy plus px बराबर q फॉर्मेट की होती है, तो इंटीग्रेशन e की i फैक्टर निकलेगा e इंटीग्रेशन pdy निकलेगा, वो वैल्यू आ जाएगी। अब आगे जो फॉर्मूला होगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर x है तो ये x into e की pdy बराबर q into e की pdy dy plus c हो जाता है। तो इसमें फॉर्मेट में ये चेंजमेंट आता है। अब देखिए मैं इसको आगे सॉल्व करता हूं, तो देखिए मेरे पास में जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है वो किसकी है, dx upon dy की है। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, x into e की pdy बराबर इंटीग्रल q into e की pdy और dy plus c, ये मेरे पास में फॉर्मूला बन गया आपका। अब की बार इसका अब देखिए x into e की pdy, e की pdy का मान मैंने निकाल लिया, देखिए ये आ गया i फैक्टर इसका y स्क्वायर बराबर इंटीग्रल q, q मेरे पास में क्या आ गया 10y स्क्वायर into e की pdy का मान आ गया y स्क्वायर और dy plus c। तो 10 को बाहर निकाल लूं मैं, क्या निकाल लूं, 10 को बाहर निकाल लूं तो ये आ जाएगा x into y स्क्वायर बराबर 10, ये y की 4 हो जाएगी, इंटीग्रल y की 4 dy plus c, y की 4 का इंटीग्रल करेंगे तो क्या आ जाएगा x into y स्क्वायर बराबर 10 y की 5 upon 5 plus c, तो 5 से कटेगा तो 2 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा x into y स्क्वायर बराबर 2 y की 5 plus c, ये इसका आंसर आ जाएगा भाई, x into y स्क्वायर बराबर 2y की 5 प्लस सी, ये इसका आंसर आएगा। तो बात समझ में आई भाई, मैं फिर एक बार बता देता हूं, रिपीट कर देता हूं इसको। देखिए पहले जब भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन अगर सीधी मिल जाती है तो बहुत अच्छी बात है, अगर इस टाइप में मिलती है तो पहले यहां से हम dy ओवर dx निकालेंगे, क्या निकालेंगे dy ओवर dx, पता करेंगे कि ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन तो नहीं है, है कि नहीं है। तो देखिए पता किया तो हमें पता लगा कि ऊपर पावर y की 1 है, नीचे x की पावर 1 है, इधर y की पावर 3 है, इसका मतलब होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन तो ये नहीं है। अब देखिए अब हमें पता क्या कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या, तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होता है dy ओवर dx + py = q, वो फॉर्मेट भी इसमें नहीं बनेगा, क्योंकि मैं इसको इस साइड लाऊंगा तो ये अपॉन में योग का यो आएगा, जैसे इसको इधर लाऊंगा तो ये + y / 2x - 10y की q = 0 हो जाएगा, इसका मतलब ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन भी नहीं है। तो मैंने क्या किया इसको उल्टा कर दिया, थोड़ा क्या किया उल्टा किया, तो ये dy ओवर dx था तो ये dx upon dy हो गया, माइनस का ये बाहर आ गया, तो नीचे वाली टर्म ऊपर चली जाएगी, ऊपर वाली नीचे आ गई, इसको यहां से मैंने देखिए इसको सेपरेट किया है, माइनस 2x upon y plus 10 y की क्यूब upon y, यहां से इसको काटा तो dx upon dy। अब देखिए यहां पर dx upon dy हो गया, इसका मतलब इधर x की टर्म आएगी, y की टर्म उधर ही रह जाएगी, लेकिन अगर x की टर्म के नीचे y है तो वो उसके साथ में ही आ जाएगी, ये नहीं है कि y की टर्म अलग हो जाएगी, तो dx upon dy plus ये इधर आ गया 2y upon x 2 upon y into x बराबर ये होगा 10y square। अब ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगी कौन सी किस फॉर्म की होगी, यानी कि dx upon dy plus px बराबर q फॉर्मेट की ये डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, तब हम pdx की जगह निकालेंगे e की pdy, ये निकल के आ जाएगी। फिर देखिए हम अगर dy ओवर dx plus py बराबर q की फॉर्मेट में तो हम वहां पर y लेते हैं, लेकिन ये किस रूप की है, ये x रूप की बन गई, तो इसका मतलब यहां पर जो चीज होगी अगर यहां पे x है तो x आएगा, v है तो v आएगा, t है तो t आ जाएगा, तो x into e की pdy बराबर q into e की pdy dy plus c, इसको सॉल्व किया तो ये आ गया, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना इस चीज को। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का, ये क्वेश्चन आ चुका है, 5 का क्वेश्चन नंबर 5 आ चुका है,
क्वेश्चन नंबर 5 dy ओवर dx प्लस y cot x बराबर sin x। तो देखिए हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, dy ओवर dx प्लस py बराबर क्या होता है q। इसका मतलब इसके साथ में अगर मैं बता दूं तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है ना कि होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो देखिए dy ओवर dx प्लस py बराबर q, तो देखिए y की जगह y आ गया, p की जगह क्या आ जाएगा cot x आ जाएगा, q की जगह क्या आ जाएगा sin x। इसकी कंपैरिजन इसके साथ करेंगे तो p बराबर क्या आ जाएगा cot x और q बराबर क्या आ जाएगा sin x। ठीक है भाई, इसका आई एफ फैक्टर ये बोर्ड में एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका भी, p बराबर cot x q बराबर sin x। इसका इंटीग्रेशन फैक्टर निकालेंगे आई एफ e इंटीग्रेशन p dx होगा आपकी बार, क्योंकि ये dy ओवर dx की टर्म है। देखिए इधर y आ रहा है, इसका मतलब e की p dx होगा। अगर यहां पर x की टर्म होती तो e इंटीग्रेशन p dy करता ये, तो ये आ जाएगा देखिए e इंटीग्रेशन p, p का मान मेरे पास में cot x है और ये dx, और cot x और dx का इंटीग्रल क्या होता है भाई, cot x dx का इंटीग्रल क्या होता है log sin x होता है। क्या होता है इंटीग्रेशन cot x dx का क्या होता है log sin x होता है। तो देखिए इसका आ जाएगा e की cot x dx बराबर e की पावर cot x का क्या होता है log sin x। अभी मैंने फॉर्मूला बताया तो इसका क्या आ जाएगा sin x, क्योंकि e log e का मान क्या हो जाएगा a की, यहां पे जो चीज होगी वो वापस आ जाती है sin x e log e बेस। यहां पर अगर e नहीं है तो इसका मतलब इसके साथ में e बेस है, ध्यान रखना ये बात, e log e बेस, यहां पे e नहीं है इसका मतलब इसके साथ में e है, तो e log e बेस sin x का मतलब ये जहां पर ये sin x होगा वो योग का योग, e log e बेस का मान तो क्या हो जाएगा a, यहां पर क्या है sin x, तो sin x आ जाएगा। अब मैं इसके फॉर्मूले में रखता हूं तो y into, देखिए यहां पे मेरे पास में y है तो y आ गया y into e की p dx बराबर इंटीग्रल q into e की इंटीग्रल p dx और dx plus c। तो y into e की p dx, e की p dx का मान मेरे पास में आ गया sin x और इंटीग्रल q, q का मान मेरे पास में आ गया sin x, q का मान क्या है sin x और e की p dx का कितना है sin x और dx plus c। अब देखिए sin x into sin x क्या बन जाएगा sin square x बन जाएगा, तो ये बढ़ जाएगा y into sin x बराबर इंटीग्रल sin square x dx और प्लस c। अब sin square का इंटीग्रल होता नहीं है, तो sin square का इंटीग्रल नहीं होता तो हमारे पास रामबाण होता है क्या cos 2x का फॉर्मूला, और cos 2x बराबर क्या होता है 1 minus 2 sin square x, ये फॉर्मूला होता है cos 2x का। यहां से sin square की वैल्यू निकालें तो यह आ जाएगा 1 minus cos 2x upon 2 बराबर क्या आ जाएगा sin square x। तो देखिए cos 2x का फॉर्मूला, क्योंकि sin square का इंटीग्रल नहीं होता है भाई, तो sin square का इंटीग्रल करने के लिए हम cos 2x पर जाएंगे, cos 2x बराबर 1 minus 2 sin square x होता है। तो देखिए यहां से 2 sin square x की वैल्यू निकालनी 1 minus cos 2x upon 2, तो sin square x की जगह मैं रखूंगा 1 minus cos 2x upon 2, तो y into sin x बराबर इंटीग्रल 1 minus cos 2x upon 2 और dx और plus c। तो देखिए sin square की वैल्यू मैंने cos 2x के फॉर्मूले से निकाल ली 1 minus cos 2x upon 2। अब इसका इंटीग्रल करेंगे, देखिए y into sin x बराबर 1 upon 2 इंटीग्रल dx minus इंटीग्रल 1 upon 2 cos 2x और dx और plus c। इसको अलग कर दिया मैंने, 1 by 2 को बाहर निकाल दिया, यहां से dx बच गया minus 1 upon 2 बाहर आ गया cos 2x dx plus c। अब देखिए इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो यह आ जाएगा देखिए y into sin x बराबर 1 by 2x dx का इंटीग्रल क्या हो जाएगा x हो जाएगा minus 1 upon 2 cos 2x का क्या होता है sin 2x और 2x का करूंगा तो वो डिवाइड में चला जाएगा plus c। तो यह आ जाएगा y into sin x
बराबर एक्स बाई टू माइनस वन बाई फोर और साइन टू एक्स प्लस सी, ये इसका आंसर आ जाएगा। और सॉल्व करना चाहते हो तो इसका एलसीएम लेके आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है भाई, तो देखिए क्वेश्चन नंबर आपका था पांच का, आज के लिए इतना ही है भाई। ध्यान रहे ये एक्सरसाइज सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, इससे और अगली एक्सरसाइज से एक क्वेश्चन डेफिनेट आता है। इसमें चॉइस मिलती है आपको, जो चाहे वो कर सकते हैं। अगर होमोजेनियस में से आता है तो उससे आपको बचना है, इस एक्सरसाइज से आपको क्वेश्चन सॉल्व करके आना है। होमोजेनियस में लॉग के नियम से क्वेश्चन आगे भी सॉल्व होता है, लेकिन इसमें डायरेक्ट आपके एग्जैक्ट किताब के आंसर आते हैं। तो यह था आपका क्वेश्चन नंबर 5। तो इसी से यहां से एक क्वेश्चन 6 नंबर पे होता है, तो आप उसको अच्छे से निकाल लें, अच्छे से निकालेंगे तो आपको समझ में आएगी। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।